गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. टूडे आई एम गिविंग टू यू मोरल एंड माई मोरल इज, इफ यू वॉन्ट लाइक अ सन, इफ यू वॉन्ट लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन. यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा. ठीक है, मींस बेटा देखिए, सूर्य जो है पहले क्या करता है, पहले बहुत ज़्यादा जलता है, तभी तो हमें उसकी रोशनी प्राप्त होती है. तो इसी तरह अगर हमें सूर्य की तरह बनना है तो क्या करना होगा, पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा. ठीक है, यू हैव नोट टू द मोरल फर्स्ट पेज ऑफ कॉपी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टार्ट स्टडी और फॉर आवर सेकेंड चैप्टर. आई एम टेकिंग योर सेकेंड ऑनलाइन क्लास एंड आई एम रिविजन योर फर्स्ट चैप्टर. तो जैसे कि बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन कर रही हूँ. व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या है? फैमिली मीन्स परिवार. ग्रुप ऑफ पीपल यानी ऐसा स्थान, हम लोग का घर मान लीजिए जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं. व्हाट इज़ ज्वाइंट फैमिली एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली? ज्वाइंट फैमिली क्या है और न्यूक्लियर फैमिली क्या है? इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेंस ऑल लीव टुगेदर इन द सेम हाउस. मीन्स ज्वाइंट फैमिली वो होती है जहाँ पर हम लोग एक साथ रहते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? ज्वाइंट फैमिली कहलाती है. और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पर हम लोग अ होम वेयर ओनली टू जनरेशंस, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेंस लीव टुगेदर इज अ न्यूक्लियर फैमिली. एक ऐसा घर जहाँ पर ओनली टू जनरेशंस, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रेंस रहते हों एक साथ, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जहाँ पर लोग ओनली अपने मदर या फादर के साथ रहते हैं, वो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है. ओके, तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन. तो चलिए अब हम आपको आपका सेकेंड चैप्टर रीड कराते हैं. तो हमारा सेकेंड चैप्टर है गर्ल्स एंड बॉयज़. गर्ल्स मीन्स क्या होता है? लड़कियाँ. एंड बॉयज़ मीन्स लड़के, तो लड़के और लड़कियाँ. ठीक है, टॉपिक व्हाट शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ डू. गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करना चाहिए इन स्कूल, स्कूल में, एट होम घर पर, इन द वर्ल्ड और संसार में. व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग? पुट अ टिक ऑन दोज वर्ड. यू मे ऑल्सो एड मोर इन द स्पेस गिवन. आपको क्या करना है, इसमें टिक करना है कि आप इन सभी चीज़ों में किस चीज़ को एंजॉय करते हो. आर्ट को एंजॉय करते हो, हैंडवर्क को एंजॉय करते हो, जनरल नॉलेज में एंजॉय करते हो, सिंगिंग में, मैथ्स में, कंप्यूटर में, म्यूजिक में, डांसिंग में, आप इन सभी चीज़ों में किस चीज़ को एंजॉय करते हो, आपको क्या करना है, टिक करना है. व्हाट आर यू लाइक, आप लाइक क्या करते हो, वो भी आपको राइट करना है. ओके, अब हम आते हैं आपके एक्सप्लेनेशन पर. पीपल मे बी सिमिलर बट दे आर नेवर एग्जैक्टली द सेम. एवरीवन इंक्लूडिंग यू इज़ द डिफरेंट टू एनीबडी एल्स. वी मे इंजॉय सिमिलर थिंग बट नो वन इंजॉय एग्जैक्टली द सेम थिंग एज समवन इल्स. सिमिलर मीन्स होता है बेटा समान, बट दे आर नेवर एग्जैक्टली द सेम. लोग क्या होते हैं? समान होते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं. मीन्स जैसे हम लोग क्या होते हैं? समान तो होते हैं लेकिन हम लोग के अंदर कोई क्वालिटी होती है जो कभी सेम नहीं होती है. आपके अंदर दूसरी क्वालिटी और आपके फ्रेंड्स होंगे उसके अंदर दूसरी क्वालिटी. मान लीजिए जैसे
हमारे पास आईज है, नोज़ है, तो क्या होते हैं, आपकी आईज दूसरी तरह होगी, हमारी आईज मीन्स बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। किसी की आईज छोटी होती है, किसी की आईज बड़ी होती है, और जो है मीन्स ऐसे सभी चीज़ों में होता है, किसी के फिंगर्स दूसरी तरह होते हैं। तो लोग समान होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं, एवरीवन इंक्लूडिंग यू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आपने देखा ही होगा, अपने आसपास ही देखा होगा, आप लोगों में अपने आप को ही देखिए, वी में इंजॉय सिमिलर थिंग, हम लोग इंजॉय करते हैं सभी चीज़ों को, लेकिन सभी का इंजॉय करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। आप किसी चीज़ को, आप जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल कर इंजॉय कर रहे हो, आपके फ्रेंड टेलीविज़न देखकर इंजॉय कर रहे हैं, नहीं इंजॉय तो सब करते हैं लेकिन इंजॉय करने का मेथड सबका अलग अलग होता है। पीपल आर हैप्पी इफ़ दे कैन डू थिंग्स दैट दे इंजॉय डूइंग और आर गुड एट। लोग खुश होते हैं यदि वो किसी चीज़ को इंजॉय कोई अच्छा वर्क करते हैं या इंजॉय करते हैं तो लोग क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मैनी पीपल थिंक दैट ओनली गर्ल्स और वुमेन शुड कुक, यानी कुछ गर्ल्स और वुमेन्स लोग होती हैं क्या होती है? खाना बनाकर खुश होती हैं। दे आर ऑल्सो बॉयज़ एंड मैन हु लाइक कुकिंग, कुछ बॉयज़ होते हैं कुछ मैंस होते हैं वो खाना पकाकर खुश होते हैं। मैनी हैव बिकम फेमस कुक एंड हैव शोज ऑन टेलीविज़न वेयर यू कैन सी देम मेकिंग फैंसी डिशेज, मीन्स जो है कुछ बॉयज़ होते हैं आपने टेलीविज़न पर देखा होगा क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारे डिशेज़ को बनाकर बनाते हैं, मीन बॉयज़ भी होते हैं कुक होते हैं जो टेलीविज़न पर हमने कभी कभी शो किया है कि वो भी मैनी फैंसी डिशेज़ बनाते हैं, बहुत सारे डिशेज़ को बनाते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचिए और आंसर दीजिए। इन अ रूम वेयर देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज़ देयर आर सेवरल टॉयज लाइक, मान लीजिए कोई रूम हो और वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हों, ठीक है, और वहाँ पर ढेर सारे मतलब बहुत सारे सेवरल टॉयज हों, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डॉल एंड स्टफ्ड एनिमल्स, टॉयज, कार्स एंड एरोप्लेन्स, अ फुल किचन सेट, विच टॉय शुड द गर्ल्स प्ले विथ, बॉय किससे, विच शुड द बॉयज प्ले विथ, यानी गर्ल्स किससे खेलना चाहेंगी और बॉयज़ किससे खेलना चाहेंगे। कैन अ गर्ल प्ले विथ रेसिंग कार एंड अ बॉय विथ डॉल्स, क्या जो लड़कियां होंगी वो रेसिंग कार से रेसिंग कार करना पसंद करेंगी और बॉयज़ जो होंगे वो डॉल को खेलना पसंद करेंगे। ओके व्हाट शुड गर्ल्स एंड बॉयज डू, गर्ल्स और बॉयज को क्या करना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज टू लेट द चिल्ड्रेन प्ले विथ वॉट एवर दे वॉन्ट सो दैट ईच चाइल्ड इज गिवन रिस्पेक्ट मीन वॉट डज रिस्पेक्ट मीन, रिस्पेक्ट मीन पोलाइट एंड केयरिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, देयर चॉइस एंड वॉट दे लाइक इज रिस्पेक्टेड एंड एवरी वन इज ट्रीटेड इन द सेम वे। क्या होता है बेटा, जब मान लीजिए हमारे स्कूल में हो या फिर जो है स्कूल में आप लोग साथ पढ़ते हो, एक साथ खेलते हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही नम्रतापूर्वक खेलना चाहिए, हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए और जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे। मान लीजिए कोई बॉयज़ और गर्ल्स खेल रहा है आपके स्कूल में, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और बहुत ही अच्छे से उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए। डिड यू नो मोर देन 130 ईयर्स एगो व्हेन मोस्ट वुमेन स्टे एट होम टू वुमेन इन इंडिया बिकम डॉक्टर, 130 ईयर एगो यानी 130 साल पहले जब वुमेन्स लोग क्या करती थी, घर पर रहती थी, टू वुमेन इन इंडिया बिकम डॉक्टर, तो इंडिया में कितने टू वुमेन्स क्या हो गए, डॉक्टर बन गए। इन उस समय क्या होता था, औरतें घर पर रहती थी, लड़कियां बाहर नहीं जाती थी,
और कोई भी वर्क, कोई भी वुमेन्स जो होती थी वो वर्क नहीं करती थी। तब उस समय इंडिया में टू यानी दो वुमेन जो थी वो क्या बनी, डॉक्टर बनी। इन स्कूल, देखिए स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज़ को क्या करना चाहिए, मैनी स्कूल हैव बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडिंग इन दैम। बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में ही देख लीजिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ साथ में पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से इन सच स्कूल हाउ शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ रिस्पेक्ट ईच अदर। और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, ईच अदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट वो कैसे करते हैं। इन द क्लास रूम एंड ड्यूरिंग द ब्रेक, जब क्लास रूम में ब्रेक होता है, लंच मीन्स ब्रेक होता है, तो कैसे करते हैं। लिसन टू ईच अदर विदाउट इंटररप्टिंग, उन्हें एक दूसरे की बात मीन्स अगर उनसे कोई बात कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए बिना इंटररप्टिंग किए हुए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटररप्टिंग, इंटररप्टिंग मीन्स होता है दखल या बाधा। तो बिना इंटररप्टिंग किए हुए हमें क्या करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। कीप टॉकिंग और शाउटिंग व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, हमें किसी बात को करना या चिल्लाना नहीं चाहिए जब कोई अदर पर्सन क्या करता है, हमसे बोलता है या बात करता है। नॉट टच पुश और हिट बट रिस्पेक्ट ईच पर्सन स्पेस, हमें किसी को टच नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए, और रिस्पेक्ट जो है पर्सन्स में, जो पर्सन्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉट स्नैच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को छीनना नहीं चाहिए, ठीक है। ग्रैब समथिंग दैट दे लाइक और वांट, किसी से भी किसी भी चीज़ को छीनना नहीं चाहिए अगर किसी को कोई चीज़ पसंद हो तो। जैसे आप किसी चीज़ को लाइक करते हो, आप मीन्स आपकी क्लास में मान लीजिए टू स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कोई कॉपी या बुक है जो आपको स्कूल से मिलती है, आपको भी वो बहुत ज़्यादा मीन्स आप दोनों को वो मिलती है कि आप दोनों उससे, मान लीजिए जैसे कोई बुक हुआ, आप दोनों को मिलती है कि आप दोनों इसे शेयर कर सकते हो, और आप चाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों को, आप चाहते हो वो मेरे पास रहे, आप चाहते हो मेरे पास रहे, तो वो क्या होना चाहिए, तो एक दूसरे से ग्रैब नहीं करना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। गिव स्पेस टू वॉक और प्ले, चलते और टहलते समय क्या करना चाहिए, स्पेस देकर चलना चाहिए। मीन्स क्या, कभी हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, स्पेस देकर चलना चाहिए। नॉट अलाउ बॉयज टू प्ले विथ गर्ल्स और गर्ल्स टू प्ले विथ बॉयज, मीन्स गर्ल्स को गर्ल्स के साथ और बॉयज़ को बॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। शेयर गेम्स, हमें क्या करनी चाहिए, गेम्स को शेयर करनी चाहिए। ऑल स्कूल्स हैव कॉम्पिटिशन्स, सभी स्कूल्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। इंटरसेक्शन में, इंटर क्लास में एंड इंटर स्कूल में। व्हेन टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर दिस कंपटीशन, जब टीम को फॉर्म किया जाता है फॉर इवेंट लाइक पेंटिंग और क्विज, द टीम हैव बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इवेंट्स मीन्स होता है बेटा जैसे घटना, जैसे जब कोई चीज़ होता है, मान लीजिए जैसे जब आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, उसके लिए आपको जैसे पेंटिंग क्विज ये सब हुआ, तो उसके लिए जब टीम बनाया जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ दोनों की फॉर कंपटीशन लाइक स्पोर्ट्स, मान लीजिए जैसे स्पोर्ट्स के लिए, द टीम यूजुअली हैव ओनली बॉयज़ और ओनली गर्ल्स, उसमें क्या किया जाता है, ओनली बॉयज़ और गर्ल्स को लिया जाता है, सम गर्ल्स और बॉयज़ को लिया जाता है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को साथ साथ लिया जाता है, जैसे क्विज़ में हो गया, क्विज़ में लिया जाता है, आपके स्कूल में क्विज़ भी होता है, आपने देखा भी होगा। सम स्कूल्स ऑल्सो हैव टीम्स विच इंक्लूड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जो लड़कों और लड़कियों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड मीन्स होता है बेटा शामिल, मीन्स एक साथ शामिल करते हैं, ठीक है। देयर आर सम स्कूल दैट हैव ओनली गर्ल्स एंड अदर्स दैट हैव ओनली बॉयज़, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ केवल गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, ओनली गर्ल्स या ओनली बॉयज़ होते हैं।
हाउ शुड चिल्ड्रेन फ्रॉम दीज स्कूल बिहेव वेन द गर्ल्स मीट बॉयज़ और वेन द बॉयज़ मीट गर्ल्स। तो जब मीन्स ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनमें ओनली गर्ल्स या बॉयज़ रहते हैं, तो जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो किस तरीके का बिहेव करते हैं। दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरी वन एंड डू द थिंग्स दैट यू हैव टिक इन द लिस्ट। वो क्या करते हैं जब वो मिलते हैं, तो वो एक दूसरे की बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, एट होम, घर पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, पीपल थॉट दैट देयर आर सम थिंग्स दैट ओनली वुमेन एंड गर्ल शुड डू, अदर थिंग्स दैट ओनली मैन एंड बॉय शुड डू। मीन्स बहुत लंबे समय तक लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो, तो क्या होता था कि घर के सभी वर्क को क्या करते हैं, वुमेन्स ही कर सकती हैं, मेंस नहीं करते हैं। वुमेन एंड गर्ल्स वुड टू द हाउस वर्क, मीन्स क्या कहते हैं, वुमेन और गर्ल्स ही घर के वर्क को कर सकती हैं, सच एज कुकिंग, वॉशिंग, जैसे खाना बनाना हुआ, वॉशिंग हुआ, कपड़े धोने हुआ। दे वुड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द बॉयज़, वो घर के किसी भी लड़कों से घर के हेल्प, घर का वर्क करने में कोई भी हेल्प नहीं ले सकती हैं। ओनली मदर्स और द मैन ऑफ द फैमिली, ओनली मदर्स वर सपोज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, केवल मदर, मम्मी होती हैं जो क्या कर सकती हैं, बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। पहले के लोग जो होते थे वो ऐसा सोचते थे कि इस वर्क को केवल और वुमेन्स लोग ही करती हैं, ठीक है, कि उनको ही करना चाहिए। इन सम होम्स द मैन वुड गो आउट टू वर्क एंड द बॉयज वुड परहैप्स रन आउटडोर एरेंड्स, यानी जो घर के बाहर का वर्क हुआ, जैसे कोई सामान को लाना हुआ या कहीं पर आने जाने की किसी भी वर्क को, तो उसको बॉयज़ ही कर सकते हैं, घर के मेंस या बॉयज़ ही कर सकते हैं। थिंग्स आर नाउ चेंजिंग, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। इन सेवरल होम्स, बहुत से कई ऐसे घरों में, द मैन एंड बॉयज़ लाइक टू हेल्प एट होम्स एंड फादर्स हैप्पीली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, मैनी वुमेन वर्क आउटसाइड द होम। बहुत से मैन हैं, बहुत से फादर्स हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और कई ऐसी औरतें हैं जो वर्क करने के लिए आउटसाइड, घर के बाहर जाने लगी हैं। ओके बेटा, ये डिस्कस छूट गया है। इन अ क्लास दैट हैज़ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर फोर गर्ल्स हु आर गुड फुटबॉल प्लेयर्स, शुड दे बी पार्ट ऑफ द क्लास फुटबॉल टीम। ये आपका जो है डिस्कस है कि आपको आपकी क्लास में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, देयर आर फोर गर्ल्स, मीन्स फोर गर्ल्स ऐसी हैं हु आर गुड फुटबॉल प्लेयर्स, जो फुटबॉल खेलने में बहुत ही अच्छी हैं। शुड दे बी पार्ट ऑफ द क्लास फुटबॉल टीम, तो क्या उन्हीं के, उन्हीं फोर गर्ल्स के पार्ट लेने से वो फुटबॉल टीम बन जाएगी। हाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर इन योर होम, मेक ड्राइंग टू डिस्प्ले इन क्लास, आपको अपने होम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शेयर करना चाहिए। मेक ड्राइंग टू डिस्प्ले इन क्लास, आपको ये आप अपने घर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शेयर करते हो, इसका चार्ट आपको बनाना है। ओके, इन द वर्ड, अब देखिए वर्ड में, पीपल हैव रियलाइज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एंड मैन टू बी एबल टू डू द थिंग्स दैट they are good at and that they want to do. When this happens, people do well in the whatever they choose to do. कुछ लोगों ने realize किया कि जो है अब women और men जो हैं वो किसी भी work को करने के लिए, means कोई भी work हुआ उसको वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। When this happens, people do well in whatever they choose do टू डू, मीन्स किसी भी वर्क को, कोई भी वर्क हो, वो हर एक क्षेत्र में लड़कियां जो हैं लड़कों से कम नहीं, वो सभी वर्क को कर सकती हैं। जैसे
पहले के लोग सोचते थे कि किसी भी वर्क को, जैसे घर का कोई वर्क हुआ उसे लड़कियां या औरतें ही कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसे घर के मेंस लोग भी कर सकते हैं। उसी तरीके से और घर के बच्चों की देखभाल फादर भी करते हैं, तो उसी तरीके से। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट कैरियर्स। कैरियर मीन्स होता है बेटा व्यवसाय। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं वुमेन्स के, जैसे कि साक्षी मलिक, यू नो साक्षी मलिक इज़ अ रेसलर, जयश्री बुरमान वुमेन आर ज्वाइन, जयश्री बुरमान अ पेंटर, वुमेन आर ज्वाइनिंग द पुलिस एंड आर्म फोर्स। अब लड़कियां क्या है जो है पुलिस और आर्म फोर्स में भी ज्वाइन करने लगी हैं, वुमेन डॉक्टर। जबकि मैंने बताया कि जब किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कोई वर्क नहीं करती थी, तब 130 ईयर एगो क्या हो चुकी है, 2 वुमेन्स डॉक्टर बन चुकी हैं। वुमेन वर्किंग इन एम ऑफिस, अब वुमेन जो है वो ऑफिस में भी वर्क करती हैं। इंदिरा गांधी अ पॉलिटिशियन हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जो थी वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी क्या थी, वो भी एक वुमेन थी। नाउडेज मेन आर ऑल्सो टॉकिंग अप जॉब्स दैट वर अर्लियर मोस्टली डन बाई वुमेन। फॉर एग्जाम्पल मैन वर्क एज नर्सेस टू। अब के दिनों में मैन जो मीन्स किसी भी वर्क को वुमेन भी कर सकती हैं, मैन की मैन भी कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकती हैं, किसी भी जॉब को, किसी भी वर्क को, किसी लड़की लड़के के किसी वर्क को लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़कियों के किसी वर्क को लड़के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले पुलिस या आर्म फोर्स में लड़कियां जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब जो है उसमें वो भी ज्वाइन करती हैं। उसी तरीके से पहले जो है वुमेन लोग ही केवल नर्स, जैसे लड़कियां ही नर्स रहती थी, तो अब उस वर्क को क्या कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। नर्सेज वर वुमेन, दिस हेल्प दोज पेशेंट्स हु वुड लाइक टू हैव अ मेल नर्स। और उन्हें क्या कहते हैं, मेल नर्स कहते हैं। जब जो है नर्स लोग, ये उन पेशेंट्स के लिए है जो मेल नर्स से अपना इलाज करवाना चाहते हैं। मोर एंड मोर गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग व्हाट दे आर गुड एट एंड व्हाट दे इंजॉय। परहैप्स यू टू विल बी एबल टू डू व्हाट यू इंजॉय व्हेन यू ग्रो अप। अधिक से अधिक गर्ल्स और बॉयज किस वर्क को करने में इंजॉय करते हैं, जैसे अधिक से अधिक बॉयज और गर्ल्स किस वर्क को करना इंजॉय करते हैं। परहैप्स आप किस वर्क को करना, आप बड़े होकर आप किस वर्क को करना इंजॉय करोगे, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप किस वर्क को करना इंजॉय करोगे। पेरेंट्स सपोर्ट, जो भी आप बड़े होकर बनना चाहते हो या करना चाहते हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस शुड थिंक लाइक दिस, आपको ये हमेशा थिंक करते रहना चाहिए कि, और याद रखना चाहिए कि हमें एवरी पर्सन टू रिस्पेक्ट, हमें सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन एंड थिंग्स दे लाइक टू डू, हमें सभी व्यक्तियों का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए। हाउ विल यू फील इफ समवन डज नॉट गिव यू समथिंग जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल और बॉय। आप फील करिए, आपको कोई ऐसा चीज़ ना दे जो आप फील करिए कि आपको किसी ये कहकर कोई चीज़ ना दे, बॉय एंड गर्ल के लिए कोई चीज़ ना दे जो आपको पसंद हो, वो यह कहकर टाल दे कि आप बॉय या गर्ल हो। रिमेंबर, या फिर कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट है, पीपल आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग क्या होते हैं, सेम लोग सिमिलर होते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। दे आर गुड एट एंड इंजॉय डिफरेंट थिंग्स। लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से। आपको कुछ और पसंद है, आपके फ्रेंड्स को कुछ और पसंद है। पीपल लाइक टू डू थिंग्स दैट दे आर गुड एट। लोग क्या,
इंजॉय करना पसंद करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दिस एंड अलाउ गर्ल्स एंड बॉयज़ टू डू थिंग्स दैट दे आर इंजॉय। या इम्पॉर्टेंट है कि जो है गर्ल्स और बॉय जब इंजॉय करते हैं तो उनके बीच में क्या रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल एट होम, घर पर भी, या इम्पॉर्टेंट है स्कूल में भी और घर पर भी। मोर एंड मोर वुमेन एंड मैन आर चूजिंग कैरियर दैट दे विल इंजॉय। और मैन और जो वुमेन होते हैं वो अपना कैरियर इंजॉय करते हुए क्या करते हैं, खुद जो है वो क्या बनना चाहते हैं कुछ भी वो इंजॉय करते हुए चूज़ करते हैं। रिस्पेक्ट, व्हाट डज रिस्पेक्ट मीन, मीन्स रिस्पेक्ट क्या होता है, पोलाइट एंड केयरिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, यानी जो है हमें एक दूसरे का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनसे अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए। इरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इरेंट्स मिस होता है, एरेंट्स मिस होता है दूत कार्म, किसी भी चीज़, किसी भी छोटी सामान को ख़रीदने के लिए एक छोटी सी यात्रा को क्या कहते हैं, इरेंट कहते हैं। कैरियर, कैरियर में व्यवसाय होता है, जैसे जैसे कोई जॉब हुआ उससे हमें कोई जॉब हुआ जहाँ पर हम जॉब करते हैं और वो व्यक्ति हमें क्या पेमेंट करता है किसी चीज़ को, तो हमें हमारा क्या बन जाता, मीन्स किसी भी कोई भी वर्क जो हम करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है, एक हमारा कैरियर होता है। अब आपका क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डज रिस्पेक्ट मीन, रिस्पेक्ट मीन पोलाइट एंड केयरिंग बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई गर्ल एंड बॉयज कैन प्ले विथ व्हाट एवर दे लाइक। जब आपको एक्सप्लेन करना है कि जब गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ खेलते हैं तो वो किस तरीके से खेल सकते हैं। मीन्स बिकॉज लेटिंग देम डू टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर चॉइस, क्या करके एक दूसरे के बीच अपनी रिस्पेक्ट बनाकर। ओके, राइट टू सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन व्हाई ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड शेयर इन द वर्क एट होम। आपको टू सेंटेंसेस इसमें क्या करने हैं, राइट करने हैं कि जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स में घर पर आप उनके वर्क को कैसे शेयर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। होम शो दैट ओनली अ सिंगल पर्सन डज नॉट हैव टू डू द वर्क अलोन, ताकि जो है किसी एक पर्सन पर बहुत ज़्यादा वर्क ना पड़े, इसीलिए आप क्या करते हो, शेयर करते हो। दिस शोज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल द फैमिली मेम्बर्स, और इससे क्या होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में आपका रिस्पेक्ट बना रहता है। नेम थ्री कैरियर्स वेयर वुमेन आर वर्किंग दिस डेज, आपको थ्री कैरियर्स बताने हैं जिसमें वुमेन अब इस समय क्या करने लगी हैं, जो है वर्क करने लगी हैं। तो फर्स्ट आर्म फोर्स, बॉक्सिंग एंड डॉक्टर्स। ओके, आपको अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपको इंडेक्स भी फिल करना है, सेकंड चैप्टर में भी आपको इंडेक्स फिल करना है, और आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना वर्क करना है। आई विल सेंड होमवर्क थ्रू द PDF। ओके, थैंक यू, माई कोड।